लोक आस्था के महापर्व छठ पूजा का आज तीसरा दिन है। अब से कुछ देर के बाद जो संध्या अर्घ है उसका कार्यक्रम शुरू होगा। और आप देख सकते हैं पटना गंगा किनारे की ये तस्वीर है। पटना गंगा घाटों पे अभी से ही जो छठवर्ती हैं, जो श्रद्धालु हैं, पहुंचने लगे हैं। और आप देख सकते हैं कितना विहंगम दृश्य जो है पटना गंगा घाटों का दिख रहा है। अभी जो तमाम जो श्रद्धालु हैं, जो छठवर्ती हैं, अपने सूप और दौड़े को सजा के गंगा घाटों पे रखना शुरू कर दिए हैं। और तमाम श्रद्धालुओं का आने का जो सिलसिला है लगातार अभी से ही जारी है। और कुछ देर के बाद जो संध्या अर्घ है उसकी शुरुआत हो जाएगी। और आज छठ पूजा का तीसरा दिन है और श्रद्धालुओं को खास तौर पर इंतजार रहता है इस तीसरे दिन का, जब अस्ताचलगामी सूर्य को अर्घ देने के लिए तमाम जो श्रद्धालु हैं पहुंचते हैं। पटना में तकरीबन 100 से ऊपर जो गंगा घाट है उसका निर्माण किया गया है। हालांकि कई घाटों को सुरक्षित घोषित किया गया है, लेकिन आपको ये तस्वीर दिखा रहे हैं जेपी सेतु पुल घाट है, जयपुर सेतु घाट है। और यहाँ से लेकर तकरीबन 4 किलोमीटर एरिया की जितनी भी घाटें हैं सुरक्षित बनाई गई है। और आप देख सकते हैं प्रशासन की ओर से भी जो व्यवस्था है वो पूरी कर ली गई है। और आप देख सकते हैं पानी के अंदर जो है बैरिकेडिंग बनाया गया है ताकि जो छठवर्ती हैं इस बैरिकेडिंग को पार ना कर सके, क्योंकि सुरक्षा का बेहद ख्याल रखा गया है। और लगातार जो श्रद्धालु हैं, जो छठवर्ती हैं, उनका आने का सिलसिला लगातार जारी है। कुछ छठवर्ती हैं उनसे हम बात करने की कोशिश करते हैं। और अभी से ही एक विहंगम दृश्य गंगा घाटों पर दिखने लगा है। हालांकि अभी दोपहर का ही समय है और संध्या अर्घ का जो समय है 5:02 पे है। उससे पहले ही श्रद्धालु जो हैं आना शुरू हो गए हैं। हालांकि श्रद्धालु जो भारी संख्या में इन घाटों पे आते हैं, पटना के कोने कोने से श्रद्धालु जो हैं इस गंगा घाट पे आते हैं। और गंगा से पटना के श्रद्धालुओं की आस्था जुड़ी हुई है। एक आस्था का जो विहंगम रूप है पटना के गंगा घाटों पे देखने को मिलता है। और आप देखिए किस तरह एक खूबसूरत नज़ारा है, किस तरह एक खूबसूरत नज़ारा है पटना के गंगा घाटों का, जब जो श्रद्धालु जो हैं अपने घरों से छठ घाट के लिए आ रहे हैं। गाजे बाजे के साथ जो श्रद्धालु हैं उनके आने का सिलसिला जारी है। और ये तस्वीर पटना के गंगा घाटों का है। तो आप देख सकते हैं छठवर्ती जो हैं पटना गंगा घाटों पर पहुँचने लगे हैं। और एक विहंगम दृश्य जो है पटना के गंगा घाटों पे देखने को मिल रहा है। कुछ लोग हैं उनसे हम बात करने की कोशिश करते हैं, और कहाँ से आ रहे हैं सर? राजीव नगर से। किस तरह की व्यवस्था है घाट पे? घाट के तो व्यवस्था अभी आइए रहे हैं, लेकिन देखते हैं पहले आए थे तो देखे बहुत अच्छी व्यवस्था है। काफी की हुई है? हाँ, सुरक्षा काफी की हुई है। प्रशासन करीब 10-15 वर्ष से। 10-15 गाजा बाजा के साथ आप लोग आए? ना, गाजा बाजा हमारा नहीं, लेकिन घाट की व्यवस्था सुंदर है, बहुत सफाई हुई है, बहुत मेहनत किया है घाट पर। तो आप देख सकते हैं कितनी खूबसूरती के साथ, गाजे बाजे के साथ श्रद्धालु हैं गंगा घाटों पे पहुंच रहे हैं। और ये सिलसिला जो है दोपहर से ही शुरू है और श्रद्धालुओं का आने का सिलसिला लगातार पटना के गंगा घाटों पे देखने को मिल रहा है। और ये नज़ारा पटना के गंगा घाटों का है। तो देखिए कितनी खूबसूरती के साथ अभी से ही श्रद्धालुओं का पहुंचने का सिलसिला जारी है। और लोक आस्था के महापर्व को बखूबी पटना के गंगा घाट के किनारे देखने को मिल रहा है। और एक खूबसूरती का विहंगम दृश्य जो है पटना के घाटों पे अभी से ही देखने को मिल रहा है। आप देखिए किस तरह सूप को सजाया गया है और सूप में तमाम जो मौसमी फल होते हैं उनको रखा गया है और इन्हीं फलों से भगवान भास्कर को अर्घ दिया जाता है। आज शाम को अस्ताचलगामी सूर्य को अर्घ दिया जाएगा, उसके बाद फिर कल सुबह उगते हुए सूर्य को अर्घ देने के साथ ही छठ पूजा की समाप्ति हो जाएगी। तो लगातार जो छठवर्ती हैं उनमें एक उत्साह देखने को मिल रहा है पटना के गंगा घाटों पे। और हम लगातार आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। कुछ लोग हैं उनसे भी हम बात करने की कोशिश करेंगे और आपको दिखाते हैं, आपको कुछ जो छठवर्ती हैं उनसे हम बात करके आपको दिखाने की कोशिश करते हैं। बखूबी तरीके से सजाने की कोशिश की गई है गंगा घाटों को। और लगातार जो श्रद्धालु हैं अभी से ही अपना जो जगह है उसको सुनिश्चित करने में लगे हुए हैं। तो अभी पहले सबसे पहले जब श्रद्धालु यहां आते हैं तो गंगा घाट पे
श्रद्धालु जब आते हैं गंगा घाट पे तो जो सूप जो दौड़ा है उसको सजाया जाता है और उसके बाद फिर शाम को 5 बजे अस्ताचलगामी सूर्य को अर्घ दिया जाएगा। आप लोग छठ पूजा में शामिल होने आए हैं, अभी छठ की हुई है, कितने सालों से कर रही हैं? अभी तो हम 2 साल से कर रहे हैं। 2 साल से कर रही हैं। इस बार छठ घाट का व्यवस्था कैसा है? अच्छा अच्छा है। क्या कहेंगे आप, पहले ही आ गए हैं थोड़ा, कितने बजे? जगह के चलते। अच्छा, जगह के चलते। हाँ। क्या कहेंगे दर्शकों को, क्या कहेंगे छठ मैया से, क्या मांग रही हैं? छठ मैया से मांग रहे हैं सबको खुशी करे, हमको भी खुश, साथ साथ हमको भी खुश रखे। और आप कहाँ से आई हैं? इन्हीं के साथ हैं। क्या कहेंगे, अभी छठ की हुई है? नहीं नहीं, साथ में, साथ में। तो निश्चित तौर पे जो छठ व्रती हैं उनके साथ सहयोगी के तौर पे भी जो घर की महिलाएं हैं वो आती हैं, उनका हाथ बटाती हैं, क्योंकि छठ पूजा में सहयोग और भागीदारी की सबसे बड़ी भूमिका होती है। क्योंकि जो छठ व्रती हैं गंगा घाटों पे जब उतरती हैं अर्घ देने के लिए तो उनको सूप दौड़ा ये सब थमाया जाता है। हम आगे भी आपको तस्वीर दिखाते रहेंगे जब छठ व्रती जो है गंगा नदी में खड़ी होंगी और भगवान भास्कर को अर्घ देने के लिए गंगा नदी में खड़ी होंगी, वो सभी तस्वीर आप देख सकते हैं पंजाब केसरी टीवी पे। धन्यवाद। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।